मेष राशि, इस सप्ताह आपको अपने रिश्तों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उचित संचार के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब होने के चलते आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, हालांकि जल्दी हालत सुधरने की संभावना है। आर्थिक रूप से सब ठीक रहेगा। वृषभ राशि, यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं तो अभी रुकना ही ठीक रहेगा, क्योंकि यह व्यावसायिक दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य के लिहाज से चीजें काफी सामान्य रहेंगी, हालांकि आप पीठ और आंखों के दर्द का अनुभव कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ पहले से अच्छी चल रही है। मिथुन राशि, इस सप्ताह अपने माता पिता के साथ समय बिताने पर ध्यान दें। बिजनेस और नौकरी में अतिरिक्त काम आने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्पादक प्रतीत होता है, इसलिए किसी भी लंबित कार्य को तत्परता से पूरा करें। कर्क राशि, इस सप्ताह आप कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके परिवार के सदस्यों को आश्चर्यचकित कर देंगे। कुछ आपके पक्ष में होंगे जबकि अन्य आपकी आलोचना कर सकते हैं। खुद पर विश्वास बनाए रखें और सकारात्मक परिणामों की प्रतीक्षा करें। यदि आप किसी भी स्तर पर भ्रमित महसूस करते हैं तो परिवार के बड़े सदस्यों से सुझाव लें। साथ ही यह सप्ताह किसी आउटिंग के लिए उपयुक्त हो सकता है। सिंह राशि, इस सप्ताह आपकी माता का स्वास्थ्य आपको तनाव दे सकता है। ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि उन्हें उचित देखभाल मिले। जीवन कई बार कठिन होता है और यह सप्ताह आपकी परीक्षा ले सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी सौदे में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा चिंता मत करो, जल्दी हालात सुधर जाएंगे। कन्या राशि, इस सप्ताह आपको सेहत और आमदनी के साधन दोनों पर ध्यान देना होगा। तनाव आपको मानसिक रूप से कमजोर महसूस करा सकता है। यदि ऐसा होता है तो एक या दो दिन के लिए ब्रेक लेने पर विचार करें। अपने व्यस्त जीवन से दूर एक शांतिपूर्ण जगह पर जाएं और खुद के साथ समय बिताएं। आप अपनी ऊर्जा और सकारात्मकता वापस पा लेंगे। तुला राशि, आपको बहुत जल्द पदोन्नति की खबर मिलने की संभावना है, इसलिए तैयार रहें। इस सप्ताह आपको अपना और परिवार दोनों का ध्यान रखना है। ऐसा करने से आप एक नई और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। बच्चों के साथ समय बिताएं, उन्हें अच्छा लगेगा। वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें, दुर्घटना की आशंका है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर चमकेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ और सहकर्मी खुश रहेंगे। अपने लक्ष्यों का विश्लेषण करने के लिए समय अच्छा है। अपने रिश्ते में अपने साथी के साथ बातचीत में खुले रहें, क्योंकि गलत संदेश मुद्दों का कारण बन सकता है। पारिवारिक मोर्चे पर कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसलिए परिस्थितियों को परिपक्वता के साथ संभालें। धनु राशि, इस सप्ताह आपके संचार कौशल में सुधार होगा, जो भविष्य के प्रयासों में आपके लिए एक महाशक्ति होगी। इसे व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से उपयोग करें और अपने रास्ते में सफलता महसूस करें। अपने रिश्ते में कुछ लचीलापन लाएं, अन्यथा चीजें खट्टी हो सकती हैं। इस सप्ताह ऑफिस में स्वतंत्र रूप से काम करने से बचें, इसके बजाय टीम के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें। मकर राशि, इस सप्ताह आपको अपनी उपलब्धियों और लक्ष्य दोनों पर विचार करने की जरूरत है। जो छूट गया उसका मलाल न करें, लेकिन भविष्य के लिए ठोस रणनीति पर काम करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए अपनी योग्यता में विस्तार करना लाभकारी है। व्यापारी वर्ग को थोड़ा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह कई नए अवसर लेकर आएगा। वित्तीय स्थिति और समग्र कल्याण दोनों में सुधार की संभावना है। कुछ चर्चाओं के कारण घर में नकारात्मक माहौल बन सकता है, इसलिए ऐसी बातचीत से बचें। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। मीन राशि, अगर आप नए निवेश के जरिए पैसा कमाना चाह रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बड़े निवेश के बजाय छोटे या मध्यम साधनों पर ध्यान केंद्रित करें। इस सप्ताह अप्रत्याशित रिश्तेदार आपके घर आ सकते हैं, जो सकारात्मकता और ऊर्जा लेकर आ सकते हैं। बच्चों को पढ़ाई से अतिरिक्त हॉबी कोर्स कराना बेहतर रहेगा। मल्टीमीडिया डेस्क, ZUPUK डिजिटल।